आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार, फूलपुर संवाददाता के मास न्यूज। आप देख रहे हैं, इस समय मौजूद हूं फूलपुर फवाई विधानसभा में। आप यहां पर देख सकते हैं पंकज राय सिंह की यहां आवास पे बीजेपी के जो क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय जी यहां पर मौजूद हैं। आप प्रचार प्रसार के लिए निकले हैं, क्योंकि यहां इनके देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप राजभर हैं, इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनका जो है चुनावी क्षेत्र में जो प्रक्रिया चल रही है कमजोर दिखाई दे रही है। इस वजह से यहाँ पर क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय जी उपस्थित हैं, उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आइए हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं। आप किसके लिए प्रचार कर रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रामस्वरूप राजभर जी, जिनके ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने विश्वास व्यक्त करके आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने एक भेजा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई रामस्वरूप राजभर के लिए और उनके लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस विधानसभा के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी 5 साल की योगी जी के नेतृत्व में चली हुई सरकार और वह अपराध मुक्त सरकार के नाम से जानी जाती है, आप 5 साल में देखा होगा कि जाति बंधन को तोड़ करके चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति अगर अपराधी रहा होगा तो उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बना करके उनके खिलाफ पूरी सरकार खड़ी रही है और अपराध मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित रही है। उसका उदाहरण है यहाँ उत्तर प्रदेश में व्यापारी, किसान, नौजवान, महिलाएं इन अपराधियों से भयभीत रहते थे। आज अपराधी भयभीत होकर के या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है या तो उत्तर प्रदेश की जेल में है, नहीं तो बहुत सारे अपराधी इस देश से ऊपर चले गए, ऊपर के चलेंगे। आप महामंत्री हैं और यहाँ रामस्वरूप राजभर जो चुनावी क्षेत्र में है, क्या आपके आने की वजह से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री से पहले आजमगढ़ जिले का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ और इस आजमगढ़ जनपद में हर गांव में हर जगह भारतीय जनता पार्टी का मैं जाके लोगों के बीच में काम किया हूँ। तो स्वाभाविक तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को मैं लगा करके मैं देखना चाहता हूँ कि अभी अगली बार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय प्राप्त की थी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कारण, अपने नीतियों के कारण, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण और विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जो एक बड़ा समाज खड़ा किया है, लाभार्थी समाज, जो इस विधानसभा में बहुत बड़ा समाज है, वो उन लाभार्थी समाज को जागृत करके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह की योजनाएं चलाई हैं, क्योंकि वो गरीब माँ के पेट से पैदा हुए थे, गरीब व्यक्ति हैं तो आम गरीब की पीड़ा को समझते हैं, इसलिए गरीबों के लिए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के उन्होंने गरीबी और अमीरी की खाई को पाटने का काम किया। वही सपा सरकार भी दावा कर रही है हम पूर्व बहुमत सरकार लाएंगे। सपा जरूर करेगी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उनके कार्यकर्ता कहाँ चलाते थे? थाना चलाते थे, ब्लॉक चलाते थे, तहसील चलाते थे। लेकिन 2017 से लेकर 2022 आ गया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहाँ खड़ा था? वो थाने पे नहीं खड़ा था, वो ब्लॉक पे नहीं खड़ा था, वो तहसील पे नहीं खड़ा था, वो आम आदमी की मदद करने के लिए उनके बीच में खड़ा था। अब मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी आज 2022 के चुनाव में कह रही ना, वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी इतनी बड़ी थी तो जरा बताए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी, अब मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के इस विधानसभा के कार्यकर्ता, क्या किसी कोरोना जैसी महामारी से पीड़ित व्यक्ति की सहायता के लिए निकले थे क्या?
निकला था कोई तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हमारे प्रवासी मजदूर आ रहे थे उनका पैर धोने का, उनको चप्पल देने का, उनको भोजन देने का, उनको पानी देने का, जो समाज में सेवा करता है उसी को अधिकार है वोट मांगने का। अब मुझे लगता है कि 2022 में समाजवादी पार्टी को वोट मांगने का हक भी नहीं। अगर काम की बात कही जाए तो अभी तो मैं देख रहा हूँ कुछ काम अधूरे हैं, उस पर आपका क्या राय? मैं एक बार फिर से आपकी जो है कार्य योजना में देखा जाए आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। फूलपुर पवई विधानसभा में भेड़िया हनुमान मंदिर के पास जो पुल बना हुआ है वो जर्जर है, वहाँ आने जाने में लोगों की समस्या होती है, तो उस पर आपका क्या राय होगा? मेरा स्पष्ट मानना है, काम की बात आप कहेंगे तो अभी आजमगढ़ और मऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो इस पूर्वांचल की मांग थी कि आजमगढ़ में राज्य विद्यालय की स्थापना हुई, स्थापना हमारी सरकार ने कर दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनने का काम हुआ। मैं ये स्पष्ट रूप से आपका यही माहौल से लेकर पवई तक का ये रोड मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, इस रोड पे चलना दूभर होता था, इसका चौड़ीकरण हुआ कि नहीं हुआ, कहीं एकाध जगह अगर बचा भी होगा तो देखिए ये सरकार अभी 5 साल रही है, 5 साल में जो 70 सालों में बना हुआ गड्ढा 5 साल में भरा नहीं जा सकता। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो नीचे तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो सलाह मशवरा जो सुझाव देता है उस पर सरकार काम करती है, जो कुछ भी बचा होगा वो तो आगे आने वाले 2022 की जब सरकार बनेगी तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी करेगी।